हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज है ईद, तो आप सभी को ईद मुबारक। ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ किचन में 6 बजे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेव की मामी सेवई की तैयारी कर रही हूँ और छोले की। तो मैंने सेवई बनाने के लिए मैंने दूध को गैस पर चढ़ा दिया है, उसको हल्का सा फाड़ लिया है। फाड़ने के बाद इसके अंदर हमने डाल देना है चीनी। मैंने यहाँ पे 2.5 लीटर दूध लिया था, उसको हल्का सा नींबू के रस से फाड़ लिया है। 1/2 किलो चीनी डाल दिया है, 1/2 किलो मैं सेवई का बना रही हूँ तो 1/2 किलो इसके अंदर मैंने चीनी डाला है। चीनी के बाद डालना था हमने ऑरेंज फूड कलर, तो मैंने गलती से यहाँ पे येलो फूड कलर डाल दिया, बाद में मैंने ऑरेंज डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसको गैस पे मीडियम फ्लेम पर रख दिया चाशनी बनने के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं जिसको बारीक बारीक कट कर लेना है, कि मामी सेवई बनने में थोड़ा सा टाइम था और सभी को नमाज़ पढ़ने जाना था और हमारे यहाँ सबसे पहले सेवई को फातिया करके खा के तब नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सेवई कटोरी के अंदर निकाल लिया है। अब सेवई फातिया होगी, उसके बाद सभी लोग खाएंगे और नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। यहाँ जो हमारी चाशनी है वो भी तैयार हो चुकी है। हमारी जो चाशनी होनी चाहिए हल्की सी चिपचिपी एक तार वाली होनी चाहिए, और उसके बाद हमने थोड़ी थोड़ी सेवई डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक ही बार हमने सारी सेवई नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करते जाना है। तो यहाँ देखिए हमारी जो सारी सेवई अच्छे से मिक्स हो चुकी है। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट कट किए थे ना वो ऊपर से डाल देंगे, और उसके बाद हमने घी डाल देना है। मैं यहाँ पे 100 ग्राम घी डाल रही हूँ। अच्छे से डाल के मिक्स कर लेना है एक बार फिर से। तो यहाँ देखिए हमारी जो कि मामी सेवई बनकर तैयार है। फ्लेम को बंद कर देना है, और यहाँ देखिए सारे बच्चे सभी लोग नए कपड़े पहनकर तैयार हैं नमाज़ पढ़ने जाने के लिए। यहाँ सभी बच्चे ईदी मांग रहे हैं सभी बड़ों से, जो कि हम बचपन में मांगा करते थे। सारे बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं नए कपड़े में, और मस्जिद जाने से पहले सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि ईद पे सभी लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, स्टेटस पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं। तो यहाँ सभी का फ़ोटो शूट चल रहा है। उसके बाद सभी लोग जाएंगे मस्जिद पे, जाएंगे वहाँ पे मेला लगता है, खाने पीने की चीज़ें मिलती है, खिलौने मिलते हैं, तो सभी बच्चे शौक से जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे सारी लड़कियाँ भी जाती है, जो छोटी छोटी लड़कियाँ होती है वो भी जाती है वहाँ पे। तो यहाँ देखिए सभी लोग का फ़ोटो शूट हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये देखिए मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। तो यहाँ की मामी सेवई में मैं केवड़ा वाटर डालना भूल गई थी, तो मैंने थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोले, तो उसके लिए मैंने मटर को उबाल दिया है। फिर मैंने ले लिया है जीरा, काले मिर्च, साबुत लाल मिर्च और एक छोटी इलायची, उसको भून लिया है। भूनने के बाद हमने इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है और मिक्सी जार के अंदर डाल देना है। उसके अंदर हमने डाल देना 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच से भी आधा चम्मच आमचूर पाउडर, और पीस लेना है उसको। फिर हमने इमली का पानी डाल देना है और जो हमने मसाले पीसे थे वो डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है काला नमक और स्वाद अनुसार वाइट नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है, चटपटा लगता है। आप इसे गोलगप्पे के साथ भी खा सकते हो, बिना गोलगप्पे के भी खा सकते हो। उसके बाद मैं बनाई थी शाही टुकड़ा, जो कि घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड को फ्राई कर लिया है। मैंने इसका ब्राउन पार्ट नहीं काटा है, ऐसे ही मैंने इसको हल्का सा गोल्डन क्रिस्पी फ्राई कर लिया है। सारे ब्रेडों को हमने ऐसे ही फ्राई कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, उसके अंदर चीनी डाल दिया है। चीनी जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से। 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर और दूध को मिक्स करके उसके अंदर डाल दिया है। हल्का सा येल्लो फूड कलर डालकर उसको मिक्स करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। हल्का सा गाढ़ा होने के बाद जो हमने ब्रेड फ्राई किए थे उसके ऊपर डाल देना है। 2 लेयर हमने ऐसे ही लगा देने हैं और दूध को ऐसे ही डाल देना है। थोड़ा सा जो दूध बचेगा उसको हमने हल्का सा गाढ़ा और कर लेना है, ऊपर से हमने थोड़ा थोड़ा डाल देना है। ये खाने में टेस्टी लगता है, हल्का सा मलाई जैसा लगता है। उसके बाद हमने बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देने हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हमने हल्का सा इसको ठंडा करके फ्रिज में रख देना है, क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ, नए कपड़े पहन लिया है मैंने। मैंने इस बार नायरा कट सूट खरीदा था, जो कि ट्रेंड में चल रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट था, कम्फर्टेबल था, गर्मी के लिए सबसे अच्छा था। और ये है मेरे हस्बैंड और ये है मेरी ननद, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं। इन्होंने आज मेरी बहुत हेल्प की किचन में। उसके बाद मैं यहाँ पे खिंचवा रही हूँ फ़ोटो स्टेटस वगैरह पे लगाने के लिए। उसके बाद मेरी फ़ोटो खींचने के बाद मैंने ज़बरदस्ती अपनी ननद का भी फ़ोटो खींचा। ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बाद बहुत गर्मी थी, तो मेरी ननद मेरे लिए आइसक्रीम लेके आई थी, तो मैंने आइसक्रीम खाया। उसके बाद मेरी आ गई भाभी घर पे सेवई खाने के लिए, मैंने बुलाया था उनको। सुबह किचन में इतना काम रहता है ईद के दिन कि बाहर निकल ही नहीं पाते, शाम को ही फ्री हो पाते हैं। तो सारा खाना वाना बना के हम फ्री हो गए थे, तब हम सब लोग मिल रहे हैं यहाँ पे।
उसके बाद मुझे लग गई भूख और यहाँ पे हमने थोड़े से मसाले में चिकन को अच्छे से भून के रखा हुआ था जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था, तो मैंने वहाँ पे थोड़े से चिकन ले लिया खाने के लिए। और डिनर में खाने के लिए बना था पुलाव गोश्त जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। बस इतनी सी वीडियो थी, कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।